हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज तीसरी बार दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल। रामलीला मैदान में दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ समेत अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जाएगी। शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान में 40,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। केजरीवाल के शपथ ग्रहण को खास बनाने की तैयारी। सरकारी स्कूलों के शिक्षक, सफाई कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर समेत 50 विशेष मेहमान आएंगे। शपथ ग्रहण में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बुलाने पर विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया सर्कुलर। शरीक होने की अनिवार्यता को निमंत्रण में बदला। शिक्षकों के शपथ ग्रहण में शामिल होने की अनिवार्यता पर बीजेपी ने कहा था कि शिक्षकों को जबरन बुलाया जा रहा है। आपका पलटवार, शिक्षकों का सम्मान करना सीखे बीजेपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई कैबिनेट को शनिवार को डिनर पर बुलाया। अगले 3 महीनों के काम का रोड मैप तैयार किया। दिल्ली से बाहर चुनावी मैदान में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी की आज अहम बैठक। शाम 4 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पोस्टरों से पटा रामलीला मैदान। पोस्टरों में अच्छी शिक्षा, इलाज और महिला सुरक्षा की बातें लिखी हुई हैं। देश के मौजूदा हालात पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, कोई खुश नहीं है, सब आंदोलन कर रहे हैं, सब नाखुश हैं और असंतोष भरा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड का बड़ा बयान। बोले, असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। संविधान निर्माताओं ने हिंदू या मुस्लिम भारत के विचार को खारिज किया था। नागपुर में कार्यक्रम में बोले संघ के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य, हिंदू राष्ट्रवाद शब्द पश्चिम से आया है, हमको राष्ट्रवादी बनने की जरूरत नहीं है, हम राष्ट्रीय हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोग अमित शाह से मिलने को तैयार। आज दोपहर 2 बजे बातचीत का समय मांगा। शाह ने कहा था सीए को लेकर जिसे भी संशय है वो मिल सकता है। दिल्ली पुलिस बोली, शाहीन बाग में बैठे लोगों की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आज अमित शाह का किसी से मुलाकात का कार्यक्रम भी नहीं है। नागरिकता कानून पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कानून पर सिर्फ चर्चा नहीं हो बल्कि कानून वापस होना चाहिए। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लखनऊ हिंसा और शाहीन बाग प्रदर्शन को कांग्रेस की देन बताया। बोले, कांग्रेस खून की राजनीति करती रही है, आज भी कांग्रेस के खून में वही है। प्रारंभ से ही कांग्रेस खून की राजनीति करती रही है, आज भी कांग्रेस के खून में वही है, इसलिए देश में अराजकता फैलाना चाहती है। महाराष्ट्र में 1 मई से लागू होगा एनपीआर। 15 जून तक चलेगी जनगणना। उद्धव सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुंबई के आजाद मैदान में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन। महाराष्ट्र में एनपीआर लागू करने पर भी विरोध जताया। चेन्नई में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन। मदुरै में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने निकाला मार्च। पूर्णिया में रेणु उद्यान में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं का समर्थन करने पहुंची लेफ्ट नेता कविता कृष्णन। यूपी के मुरादाबाद में शायर इमरान प्रतापगढ़ी को यूपी सरकार का नोटिस। सीएए प्रदर्शन में शामिल होने और धारा 144 तोड़ने पर 1,04,00,000 का नोटिस। मध्य प्रदेश के रीवा में नागरिकता कानून के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। लोगों ने बिछिया नदी में पोस्टर लेकर नाव यात्रा निकाली। बिहार के बेगूसराय में बहुजन क्रांति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण के लिए अंबेडकर की प्रतिमा को धोया। गिरिराज ने शुक्रवार को प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। जम्मू कश्मीर में पीडीपी सरकार में वित्त मंत्री रहे अल्ताफ बुखारी नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। दूसरी पार्टियों के बागी भी हाथ मिला सकते हैं। गिरिराज सिंह के विवादित बयानों की वजह से नाराज हैं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। हाल ही में गिरिराज ने देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री बताया था। तेजस्वी की लग्जरी बस पर सवाल उठाने पर आरजेडी ने दी सफाई। कहा, बस के कागजात को प्रशासन देखेगा, यात्रा से घबरा गई है जेडीयू। बिहार में तेजस्वी के युवा क्रांति रथ की लग्जरी बस पर विवाद। जेडीयू का आरोप, बस बीपीएल धारक के नाम पर तो रजिस्ट्रेशन पर पूर्व विधायक का मोबाइल नंबर कैसे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या लड़ सकती है चुनाव। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय का दावा, ऐश्वर्या चाहेंगी तो पूरी मदद करेंगे।
आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 30 से ज्यादा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। महाकाल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के दौरे से पहले वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। जंगमबाड़ी मठ के महंत से भी मिले। इस मठ में एक घंटा रहेंगे पीएम। अपनी बेटी की शादी में आने का न्योता देने वाले वाराणसी के रिक्शा चालक मंगल केवट को पीएम मोदी ने भेजा खत, बेटी की शादी की बधाई दी। मुंबई में चल रही बीजेपी की दो दिवसीय बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन। आज बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने दफ्तरों के इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से दो मूर्तियां तैयार की हैं। खराब हो चुके कंप्यूटर पार्ट्स, माउस और डेबिट कार्ड का किया गया इस्तेमाल। इराक में फंसे 16 मजदूरों को भारत लाया गया। तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले ये मजदूर 2 से 3 साल से इराक में फंसे थे। भारत बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संप्रति नाम का युद्धाभ्यास खत्म हुआ। आखिरी दिन जंगल वारफेयर की हुई ट्रेनिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के लिए गुजरात पुलिस ने की चाक चौबंद तैयारी। ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। मोटेरा स्टेडियम के आसपास के घरों की भी चेकिंग होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी से शुरू हो रहे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने पास किया फिटनेस टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद बुमराह की गेंदबाजी पर उठे सवाल पर शमी का जवाब, कहा 2-4 मैच से योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर बोले पूर्व आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला, कहा रिटायरमेंट का फैसला धोनी को लेने दें। सोशल मीडिया पर भारत के उसैन बोल्ट के नाम से मशहूर कर्नाटक के श्रीनिवास गौड़ा का आज दिल्ली में ट्रायल, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलाया। दावा है कि श्रीनिवास ने कर्नाटक में होने वाले भैंसा दौड़ यानी कांबला में 100 मीटर की दूरी 9.55 सेकंड में पूरी कर ली थी और इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।